पैसा एक्ट के तहत आम नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों की जागरूकता के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता SDOP आकांक्षा उपाध्याय ने की। डिंडोरी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, ग्राम रक्षा समिति, सड़क सुरक्षा समिति, मोबिलाइजर और कोटवारों को पैसा एक्ट की जानकारी देने के लिए एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम पुलिस लाइन में SDOP आकांक्षा उपाध्याय के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम में पैसा एक्ट के नियमों की जानकारी देते हुए आदिवासी क्षेत्रों में पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा और आम नागरिकों के अधिकारों के बारे में सभी को जागरूक किया गया। SDOP आकांक्षा उपाध्याय ने बताया कि कार्यक्रम में समिति के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया और उन्हें समस्याओं का निराकरण करने और पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में रूबरू कराया गया। जो थाना डिंडोरी कोतवाली है उसके अंतर्गत जितने भी ग्राम है जहाँ पे शांति विवाद निवारण समिति का गठन किया गया है, उन सभी गांवों से शांति विवाद निवारण समिति के अध्यक्ष जो हैं, पेशा मोबिलाइजर और जो इनके समन्वयक हैं, वो सभी इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। किन विवादों का निपटारा उनके द्वारा किया जाना चाहिए, क्या उचित उसकी प्रक्रिया है, कैसे उन्हें हमें सूचना देनी है, ये सारी चीज़ें उनको हमने आज बताई। वहीं समिति के सदस्यों ने सभी ग्रामों में सूचना पटल पर लगाने और पैसा एक्ट के तहत काम करने वाले लोगों का परिचय पत्र जारी करने का अनुरोध किया, जिससे ग्रामीणों के बीच किसी विवाद या अपराध को रोकने में आधिकारिक रूप से मदद मिल सके। निवेदन किया पुलिस प्रशासन से कि जितने भी शांति विवाद निवारण समिति के सदस्य हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड भी उपलब्ध कराई जाए ताकि पहचान हो सके कि ये शांति विवाद निवारण समिति के सदस्य हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में।